शिवाय तू ठीक है ना? हाँ, रब दी पहर है कि तुझे होश आ गया। हमारी तो डर के मारे उम्र माता हो रही थी। तुझे हुआ क्या? तू उस पुरानी मिल में क्या कर रहा था? बेहोश कैसे हो गया? अनिका कहाँ है? शिवाय मैं यहाँ हूँ। अनिका तुम वहाँ वहाँ क्यों खड़ी हो इतनी दूर? यहाँ मेरे पास बैठो। वहाँ बैठो ना। तुम ठीक हो? शिवाय झूठ आपको लगी है। तुम्हें भी तो लगी है। मैं ठीक हूं। तुम्हें भी ठीक हूं। वैसे मैं यहां कैसे आया? कुरियर वाला देखे गया आपको यहां पे। एक ही तो हैंडसम डैशिंग भाई है आपका, वही लेके आया आपको है। अच्छा जी, होम लेकर आया मुझे। अच्छा सुन, तुझे कैसे पता चला मैं वहां ओल्ड मिल में हूं? आप ही ने फोन किया था ना, बोला पुरानी मेला, पर जब तक मैं वहां पे आया बेहोश हो चुके थे। मैंने फोन किया? मैंने तुझे फोन कैसे किया? कि मुझे याद है मैं वहां पहुंचा और पहुंचते ही कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और सीखता यहां उठा। मैंने तुझे फोन नहीं किया भैया। वो फोन भी आपका था, आवाज भी आपकी थी, आप ही ने फोन किया था मुझे। नहीं रुद्रम, मैंने फोन नहीं किया है तुझे, आप भूल गए होंगे। अरे मैं नहीं भूला हूं, मैंने नहीं किया है तुझे यार। तू ये खून कैसे आया? मुझे तो कोई घाव नहीं हुआ, ये कैसे आ गया? ना तो काई को शिवाय की जान के पीछे छोड़ी है वो तो। माँ कौन? मैं। रणवीर तू? ये सब छोड़ माही और मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। मैं अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे ढूंढ रहा है। मेरी बात मान, तू भी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मेजर प्रॉब्लम हो गई है, मौसी भी कहीं चली गई है। चली गई मतलब? हाँ 9 to 11 हो गए, बताया तक नहीं। इससे पहले पुलिस तुझ तक पहुंचे अंडरग्राउंड हो जा, चल। हेलो हेलो रन रणवीर, ओए साला ने फोन काट दिया। मां चली गई, बताया तक नहीं आप को, ऐसा थोड़ी होता है।
ये खून उसी का होगा। हाँ मुझे भी लगता है उसी का है। किसकी बात कर रहे हो तुम? हम डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं। हाँ डुप्लीकेट की। देखो भैया आपने मुझे फोन किया नहीं, उसकी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज के जैसी, तो ये फोन उसी ने किया होगा। कहने का मतलब है उस फर्जी ने मेरी जान बचाई? लग तो ऐसा ही रहा है। तुम तो गलत लग रहा है यार। What is wrong with you guys? ये वही इंसान है जिसने मेरा जेट हाईजैक करवाया, मुझे किडनैप करवाया, मुझे एक हाई एंड एस्केप प्रूफ कन्फाइनमेंट में रखा, यहाँ तक कि इस घर में मेरी जगह ली और मुझे फर्जी साबित करने की कोशिश की। उसी इंसान ने। और अब तुम लोग कह रहे हो कि उसने मेरी जान बचाई। अगर उसको आपकी जान लेनी होती तो आपका किडनैप ही क्यों करवाता? आप खुद सोचिए शिवाय, आप तो बेहोश थे, तो वो गुंडे आपके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कोई आया जिसने आपको उन गुंडों से बचाया, ये पक्का उसी ने किया है। जितना हम उसे चीपड़ा समझ रहे, मुझे नहीं लगता वो इतना चीपड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवा ठीक कह रहा है। जरा तुम लोग खुद सोचो, जो इंसान खुद ही गलत है तो वो सही काम क्यों करेगा? कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हो सकता है ना कि ये काम किसी के कहने पे किया हो उसने, या कोई मजबूरी रही होगी। सोचिए वो बंदा इतने दिन शिवाय बन के इस घर में रहा, लेकिन उसने एक बार भी कभी भी उस चीज का फायदा नहीं उठाया, कभी भी पैसे इधर के उधर नहीं किए, और सबसे बड़ी बात उसने कभी मुझे बुरी नजर से देखा ही नहीं, मेरे पास आने की कोशिश ही नहीं की, और हमेशा मुझसे दूर ही रहा है। वो बुरा है पर वो कमीना नहीं है। ओ मैं माता, अब तू उस डुप्लीकेट्स की साइड ले रही है? हाँ ऐसा नहीं है पिंकी आंटी जी, मुझे लगता है कि पक्का इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी, या किसी के कहने पे आके उसने ये किया होगा पक्का। उसने मुझे बचाया क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?